हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेकानिस यूट्यूब चैनल में। ओके, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि जो CSS है उसके अंदर मार्जिन किस प्रकार से देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि मार्जिन किस तरह से देते हैं, HTML के अंदर CSS के अंदर किस तरह से अप्लाई होती है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। तो आज हम एकदम सिंपल वे में सीखने वाले हैं कि जो मार्जिन है जो CSS के अंदर किस प्रकार देते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोई भी देरी ना करते हुए। ओके, तो चलो आ जाते हैं हम इस वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्जिन के किस कितने प्रकार होते हैं। ओके, आप मार्जिन किस किस प्रकार से दे सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि मार्जिन आप किस प्रकार से दे सकते हो। तो आप चार प्रकार से मार्जिन दे सकते हो या फिर पांच प्रकार से मार्जिन दे सकते हो। ओके, सबसे पहले आप दे सकते हो मार्जिन टॉप दे सकते हो। ओके, ऊपर से आपको अगर गैप चाहिए तो आप ऊपर मार्जिन टॉप दे सकते हो। ओके, उसके बाद होती है मार्जिन राइट। अगर आपको राइट साइड से मार्जिन चाहिए तो आप मार्जिन राइट दे सकते हो। ओके, उसी तरह अगर आपको नीचे से मार्जिन चाहिए बॉटम से तो आप मार्जिन बॉटम दे सकते हो। ओके, उसी की तरह आपको अगर लेफ्ट साइड से मार्जिन चाहिए, लेफ्ट साइड से स्पेस चाहिए तो आप जो मार्जिन लेफ्ट दे सकते हो। ओके, उसी की तरह इसमें से और एक होती है फाइनल मार्जिन, उसे हम आप चारों तरफ से दे सकते हो, तीन तरफ से दे सकते हो, जो भी तरफ से दे सकते हो। एक ही मार्जिन के अंदर आप चारों पाँचों को दे सकते हैं, वो होती है मार्जिन से आप मार्जिन के अंदर दे सकते हो इस तरह से। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी दी हुई, बॉर्डर दिए, उसके बाद मार्जिन टॉप 100 दिया है। यहाँ से अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, देखते हो यहाँ से मैं अगर 500 कर देता हूँ और रन करके दिखा दो, इसका गैप आप देखोगे। मार्जिन बॉटम किया है। ओके, मार्जिन बॉटम नहीं, हम जो है मार्जिन टॉप लेते हैं। ओके, मार्जिन टॉप से आपको समझ में आएगा कि ये जो है कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। ओके, यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो टॉप से मार्जिन आ गई इतनी। ओके, अगर आपको लेफ्ट, अगर आपको जो है राइट से मार्जिन चाहिए या फिर लेफ्ट से, सबसे पहले लेफ्ट से देखते हैं। यहाँ से लेफ्ट से अगर यहाँ पर दिया है 80 तो इसे मैं करता हूँ 120 पिक्सल। ओके, और रन कर कर दिखाता हूँ। देखिए आप इस तरह से ये जो मार्जिन ली, अगर आप इस साइड से मार्जिन चाहिए राइट साइड से, आप राइट साइड देखते हैं यहाँ पर राइट साइड से जो है 150 की जगह 200 कर देते इस तरह से। ओके, और इसे रन कर दे इस तरह से, आप देखते हो यहाँ पर मूवमेंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से मैंने ज़्यादा दी है। ओके, तो इस तरह से आप ऊपर से, अब अगर यहाँ से मैं जो है 500 निकाल देता हूँ। ओके, जैसी वैसी 100 पे ला लेता हूँ। ओके, रन करता हूँ, उसकी जगह पे आ गई। अगर आप नीचे बॉटम से देना चाहते हो तो अगर आप इनका जो है सबको 100-100 कर लेते हैं। ओके, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से। ओके, यहाँ से, और अगर आपको बॉटम से देना चाहो तो बॉटम से ज़्यादा होगी नहीं। ओके, इस तरह से, इसी के साथ साथ अगर आप इसे सबसे निकाल देते हो, ओके, उसके बाद इस तरह से भी आप दे सकते हो मार्जिन। ओके, उसके बाद आपको इक्वल टू करना है, उसके बाद आप इस तरह से दे सकते हैं आपको टॉप जो चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टॉप, टॉप इस तरह से लिखते हैं 100 पिक्सल। ओके, उसके बाद आता है राइट, राइट आपको जो चाहिए सिर्फ 10 पिक्सल चाहिए। ओके, उसके बाद नीचे आता है बॉटम, बॉटम में आप दे सकते हो जो भी आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 पिक्सल दे दिया। ओके, उसके बाद आता है राइट साइड, राइट साइड में आपको देना है फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल इस तरह से, और इसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका इस मार्जिन में देने का आप दे सकते हैं जो प्रॉपर्टी दी गई है किस तरह से। ये जो प्रॉपर्टीज है आपको समझ लेना है, जो पहला आपको लिखना होता है ये टॉप होता है, उसके बाद होता है राइट, उसके बाद होता है ये बॉटम, और उसके बाद होता है लेफ्ट। ओके, इस तरह से ये जो है प्रॉपर्टीज दी जाती है। आप जो अगर देखोगे यहाँ पर, अगर मैं टॉप राइट, ये राइट है, राइट को अगर 100 कर देता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से, इससे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से इसका जो है मार्जिन आ गया। इस तरह से इसे चार होता है। ओके, मार्जिन में ये चार प्रॉपर्टी दी जाती है, टॉप राइट बॉटम और ये जो है लेफ्ट। इस तरह से अगर लेफ्ट में आप 100 दे देते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट होगा, इस तरह से आप दे सकते हो, इस तरह से इसे जो है मार्जिन आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे आ जाते हैं और कुछ अलग सा होगा तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, इस तरह से जो है मार्जिन टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट इस तरह से होती है।
उसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ मार्जिन देते हो तो टॉप और ये जो है बॉटम लेगा। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बता दिया पांच प्रॉपर्टीज होती है, मार्जिन मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, इस तरह से। ओके, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही इजी सा था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप मार्जिन दे सकते हैं। ओके, तो मैंने पांचों भी टाइप आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।